चलें जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है ना नर्वस सिस्टम की जो है ना वो एम्ब्रियोलॉजी देख रहे थे। पिछले दो लेक्चर्स में हमने जो है ना न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन देखी, न्यूरल क्रस्टल्स की फॉर्मेशन देखी, फिर हमने न्यूरल ट्यूब से जो है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाया और न्यूरल क्रस्टल से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाया। अब कुछ हमने फिर डिजीज भी देखी थी, कुछ हमने कहा था कि ब्रेन मैलफॉर्मेशंस कुछ डिफेक्ट्स थे वो भी हमने देख लिए थे, उसमें से हमने होलो प्रोजेंसेफेरी देखी थी। तो आज हम दूसरी देखते हैं, जो दूसरा डिफेक्ट होता है ब्रेन में वो कौन सा आता है अगर प्रॉपर तौर पर ब्रेन की डेवलपमेंट ना हो तो वो होता है आपका लिजेंसेफेरी। अब लिजेंसेफेरी क्या होती है, ठीक, अब देखें। वो कहता है कि नॉर्मली, कल मैंने बताया था कि जो न्यूरोएपिथेलियल सेल्स होते हैं, सबसे अंदर वाला जोन होता है एक, फिर न्यूरोएपिथेलियल जोन होता है, फिर आपका मेंटल जोन होता है, फिर आपका बाहर वाला मार्जिनल जोन होता है। मैंने कहा था सेल्स यहाँ से बनते हैं और यहाँ से बाहर निकल कर आपके मेंटल जोन में आते हैं, फिर मेंटल जोन से, आपने कल क्लास ली थी डॉक्टर माउस? अच्छा, ऑनलाइन मेरे ख्याल में आप नहीं ली थी। अच्छा, फिर उसके बाद मेंटल जोन से बाहर निकलकर मार्जिनल जोन में सेल्स आते हैं, मार्जिनल जोन में जब वो आते हैं तो वो न्यूरॉन्स होते हैं। वो क्या होते हैं? न्यूरॉन्स। अब ये वाले न्यूरॉन्स यहाँ पर बैठते नहीं है, यहाँ से फिर ये बाहर मूव करते हैं और अपने स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की तरफ मूव करते हैं जहां इनको जाना होता है। अब वहां स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे जाके वहां पर ये आपके ब्रेन की स्पेसिफिक क्या बनाते हैं, पार्ट्स बनाते हैं, ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट्स बनाते हैं कि जिस पार्ट के लिए वो न्यूरॉन मखसूस है जाके वो वाला पार्ट उसने बनाना है, अपना स्पेसिफिक पार्ट न्यूरॉन यहां से मूव करके। लेकिन अगर ये वाले जो सेल्स हैं, ये जो न्यूरॉन्स हैं, वो जो मैंने इस नॉर्मल प्रोसेस बताया है ये इसको फॉलो ना करें, ये इसको फॉलो कि नॉर्मली यहाँ पे माइग्रेट ना करें और अपनी मखसूस जगह पे ना पहुंच पाए, अपने डेस्टिनेशन पे ना पहुंच पाए, तो फिर कुछ जो है ना उसको प्रॉब्लम आते हैं। कैसे? अब आपका जो ब्रेन है, अब आपको पता है ब्रेन के ऊपर कुछ इस तरह की आपकी वो होती है ना, इस तरह की जो ये अंदर वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोलते होते हैं, सुलकाई, और जो उभरे हुए हिस्से इनको हम क्या बोलते हैं, गायरी। अब ये आपके ब्रेन के ऊपर दो चीजें होती हैं, सुलकाई और गैरी। अगर अब ये सुलकाई और गैरी भी कैसे बनते हैं, फिर वही बात कि यही न्यूरॉन्स जो यहां से निकले थे वो यहां से मूव करेंगे और मूव करके अपने स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे जाके क्या बनाते हैं, सुलकाई और गैरी बनाते हैं। लेकिन जो लिजेंसेफेली है इसमें आपके सुलकाई और गैरी नहीं बनते। क्यों? क्योंकि ये जो सेल्स है, ये न्यूरॉन्स है जो माइग्रेट करती है, माइग्रेट नहीं करते। जब ये माइग्रेट नहीं कर सकते इनकी माइग्रेशन में प्रॉब्लम होता है, जब इनकी माइग्रेशन में प्रॉब्लम होता है तो क्या सुलकाई और गैरी बनेंगे? नहीं। तो आपका जो स्कल होगा उसके ऊपर ये वाली लेयर होगी, ये वाली स्ट्रक्चर होगी, ये वाली नहीं। तो क्या आपके जो स्कल है उसका जो सरफेस है वो रफ होगी कि स्मूथ होगी? अब स्मूथ। तो जो सरफेस है आपके स्कल की वो क्या होती है, स्मूथ होती है। दिस डिजीज इज कॉल्ड लिजेंसेफेरी। इसको हम क्या बोलते होते हैं, लिजेंसेफेरी। समझ आ गई है? पक्की बात है। मैं इसकी रीडिंग करा दूं? अब चले इसकी रीडिंग देखें। रिपीट करना तो मुझे बता दें, जिसको समझ नहीं आया तो मुझे बता दें, अदरवाइज मैं इसकी रीडिंग करा देता हूँ। रीडिंग में रिपीट हो जाएगा। नॉर्मली इमेच्योर न्यूरॉन्स, इमेच्योर मतलब जो अभी बन रहे हैं, माइग्रेट फ्रॉम देयर बर्थ प्लेस, जहां से वो बनते हैं वहां से वो मूव करते हैं देयर स्पेसिफिक फाइनल डेस्टिनेशन, वेयर दे डिफरेंशिएट इनटू स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग न्यूरल नेटवर्क्स, जहां पर अपने वो स्पेसिफिक नेटवर्क्स बनाते हैं, अपनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उस तरफ मूव करते हैं। बट इन केस ऑफ लिजेंसेफेरी द इमेच्योर न्यूरॉन्स फेल टू माइग्रेट, वो माइग्रेट नहीं कर सकते, दैट कॉजेस फेलियर ऑफ सुलकाई एंड गैरी फॉर्मेशन। तो ये दोनों नहीं बनती। जब ये दोनों नहीं बनती तो इट रिजल्ट्स इन स्मूथ ब्रेन सरफेस विद आउट सुलकाई एंड गैरी, बिकॉज सुलकाई एंड गैरी गिव द रफ सर्फेस टू द ब्रेन। तो वो स्मूथ सर्फेस होती है सर, ठीक है। तो उसके बाद इसका नोट देखें, सुलकाई क्या होता है, ग्रूव्स आर फिरोज ऑन द सर्फेस ऑफ द ब्रेन, जबकि गैरी क्या होते हैं, रिजेस आर द कन्वोल्यूशन ऑन द सर्फेस ऑफ द ब्रेन। ये गैरी उभरे हुए से होते हैं और सुलकाई क्या होता है, उसकी ग्रूव्स नीचे जो दबी हुई डिप्रेशन वाले हिस्से हैं उनको हम बोलते हैं। अब इसमें जो पेशेंट है वो क्या क्या प्रेजेंटेशन देगा, पेशेंट को प्रेजेंटेशन, एक तो आप यही बात है कि स्कल उसका क्या होगा, स्मूथ सा होगा। दूसरा, पेशेंट प्रेजेंट्स विद द डिस्फेजिया, पेशेंट को डिस्फेजिया होगा, प्रॉब्लम विद द स्वेलविंग, और पेशेंट को सीजर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्फेरी होगी, स्मॉल हेड साइज होगा उसका, क्या होगा, स्मॉल, और वेंट्रिक्यूलोमेगैली होगी कि उसका जो वेंट्रिकल है वो लार्ज होगा। वेंट्रिकल क्या होंगे उसके ब्रेन में, इस डायग्राम पे देखें, नजर आ रही है ये, मैं इसको जूम कर देता हूं। देखें नॉर्मली ये वेंट्रिकल्स हैं आपके, ये देखें नॉर्मली, लेकिन इसमें देखें आपके जो वेंट्रिकल्स हैं वो इनलार्ज हैं, देखें ये देखें,
ये लार्ज जो अंदर उसने रेड से बनाया हुआ है ये वाला, ये नॉर्मल होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें उसके वेंट्रिकल्स क्या हैं, इन लार्ज वेंट्रिकल्स हैं उसके, ठीक है। तो उसके वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, इन लार्ज होते हैं। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, है वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स मैंने बताया था ना यार कल परसों, तो मैंने बताया था डॉक्टर साहब, भूल भी गए एक दिन में, कि लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, मैंने कहा था ये आपके इस तरह लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, फिर लैटरल वेंट्रिकल्स के बाद उसके नीचे क्या होता है आपका थर्ड वेंट्रिकल होता है, थर्ड वेंट्रिकल के बाद सेरिब्रल एक्विडक्ट होती है, फिर आपका फोर्थ वेंट्रिकल होता है, इसके अंदर सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है ना वो फ्लो करता है, फिर इसके बाद इससे नीचे क्या होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल सेंट्रल कैनाल होती है जिसके अंदर आपका फ्लूइड CSF मूव कर रहा होता है, तो इनको वेंट्रिकल बोलते हैं। तो और फेशियल इनोमलीज होंगी, उसको फेस के प्रॉब्लम होंगे, तो बस ये आपने याद रखना है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपने ये याद रखना है कि वेंट्रिक्यूलर मेगैली होगी, इनलार्ज वेंट्रिकल्स इन ब्रेन, ये इनलार्ज होंगे, ठीक है, और मैक्रोसेफेली, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है इसमें। तो आई होप कि आपको समझ आ गया कि लेजेंसफेरी क्या होती है। बस इतना याद रखें कि स्मूथ आपका स्कल होगा, स्कल क्या होगा स्मूथ, सुलकई और गहराई गहराई नहीं बनेंगे, ठीक है। अब वो तो था कि ब्रेन मालफॉर्मेशन, अब ये है पोस्टीरियर फोसा मालफॉर्मेशन, कि देखिए आपके जो ब्रेन है उसका एक पीछे वाला हिस्सा होता है, एक ये फ्रंट वाला हिस्सा और ये पीछे वाला हिस्सा, ये वाला, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर फोसा, इसी से क्या बोलते हैं पोस्टीरियर फोसा। इधर जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है उस वक्त जो है ना, अगर ये वाला हिस्सा प्रॉपर तौर पर ना बने, ब्रेन का ये वाला हिस्सा, तो इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर फोसा मैलफॉर्मेशंस। तो इसमें कौन कौन से मसले आते हैं वो हम देखते हैं। वो कहते हैं ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज दैट अफेक्ट द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन लोकेटेड इन द पोस्टीरियर फोसा, स्पेशली आपका सेरिबेलम, ये पीछे ही पड़ा होता है ना, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम में क्या आता है आपका मेडोला, पॉन्स एंड मिड ब्रेन, ये सारी चीजें ये उधर पीछे ही आती है, तो स्पेशली इनमें प्रॉब्लम होगा। अगर ये प्रॉपर तौर पर ना बने तो इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर फोसा मैलफॉर्मेशंस, ठीक है। अब इसकी जो फेमस है वो तीन है, बल्कि चार है। पहली देखें चेरी वन मैलफॉर्मेशन, चेरी वन मैलफॉर्मेशन। अब इससे पहले आप जरा नॉर्मल एनाटॉमी देख लें इसकी, कि आपका जो स्कल होता है ये इसको देख लें, इसको देख लें, ये स्कल है, ये आपका क्या पड़ा हुआ है, सेरिबेलम पड़ा हुआ है। अब सेरिबेलम का नीचे एक पार्ट होता है यहाँ पर, लास्ट पार्ट होता है बॉटम में, इस पार्ट को बोलते हैं टॉन्सिलर, क्या बोलते हैं टॉन्सिल्स भी बोलते हैं, टॉन्सिल्स, सेरिबुलर टॉन्सिल्स बोलते हैं इसको, कि द पार्ट ऑफ द सेरिबेलम जो कि सबसे नीचे लोकेट कर रहा होता है, सबसे नीचे, इसको हम बोलते हैं टॉन्सिल्स ऑफ द सेरिबेलम। अब टॉन्सिल्स ऑफ सेरिबेलम से नीचे क्या होता है, फोरमेन मैग्नम होता है, यहाँ पे क्या होता है, इससे नीचे क्या होता है फोरमेन मैग्नम, उससे नीचे आपको क्या पड़ा होता है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पड़ा होता है, ठीक है। यार इसको मैं जरा डिटेल में पढ़ा दूँ ताकि आपको फिर आगे जब मैं कुछ बताऊँ तो मसला ना हो। देखें मैं इधर अलग डायग्राम बना रहा हूँ, ये आपके लैटरल वेंट्रिकल्स अभी मैंने बताया, ये आपके क्या हो गए, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या होगी सेरिब्रल एक्विडक्ट, और ये आपका हो गया फोर्थ वेंट्रिकल। अब यहाँ पे आपका क्या पड़ा होता है, सेरिबुलम, क्या पड़ा होता है सेरिबुलम, सेरिबुलम का सबसे ये नीचे वाला पार्ट, वैसे ये इधर पड़ा होता है ऊपर की तरफ, यहाँ पे इसका नीचे वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं टॉन्सिल्स, क्या बोलते हैं टॉन्सिल्स। अब होता क्या है, अब क्या होता है, अब सुने, अच्छा एक और चीज, ये टॉन्सिल्स और टॉन्सिल्स, यहाँ पे नीचे क्या होता है फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये जो टॉन्सिल्स है और टॉन्सिल से नीचे आपका स्पाइनल कॉर्ड, और इसके नीचे आपका क्या पड़ा होता है फोरमेन मैग्नम पड़ा होता है, यहाँ पे क्या होता है फोरमेन मैग्नम, एक होल होता है इसको हम क्या बोलते हैं फोरमेन मैग्नम, फोरमेन मैग्नम बोलते होते हैं। तो समझ आ गया, या नॉर्मल नॉट भी समझ आ गई है, भाई नॉर्मल नॉट भी समझ आ गई है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, चेरी वन मालफॉर्मेशन में मसला क्या होता है, कि ये जो आपका सेरिब्रल टॉन्सिल है ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ से प्रोट्रूड करेगा, इसकी हर्निएशन होगी। हर्निएशन का क्या मतलब है, कि वो यहाँ से बढ़ेगा और इस फोरमेन मैग्नम से निकलेगा बाहर, इस सुराख से नीचे की तरफ मूव करेगा, इस सुराख से नीचे की तरफ मूव करेगा, और नीचे की तरफ मूव करता हुआ जब नीचे जाता है और आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको कंप्रेस कर देगा, स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा कंप्रेस कर देगा। जब ये स्पाइनल कॉर्ड यहां से कंप्रेस होगा तो उसके अंदर जो सेंट्रल कैनाल थी वो भी कंप्रेस होगी, है ना, तो यहां पे आप सेंट्रल कैनाल कंप्रेस हो जाएगी, जब वो कंप्रेस हो जाएगी तो इसमें क्या पड़ा होता है आपका CSF, है ना, स्पाइनल कैनाल में, तो CSF क्या होती है वहां पे एक्युमुलेशन होती है। अब CSF फ्लो कर सकेगा प्रॉपरली इसमें, ओ भाई वही सीन है कि ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल को यहां से आप कंप्रेस कर दें, जब वो कंप्रेस हो जाएगी तो इसके अंदर से ब्लड गुजर सकता है नहीं, तो इधर से क्या CSF ऊपर की तरफ मूव कर सकता है
नहीं, तो यहां पर सीएसएफ की क्या होती है, अकुमुलेशन होती है। जब इसकी अकुमुलेशन होती है इसको हम बोलते होते हैं सेरिंग्स। क्या बोलते हैं? सेरिंग्स। क्या बोलते होते हैं भाई? सेरिंग्स। दिस इज कॉल्ड योर चेरी वेन मैलफॉर्मेशन। समझ आ गई है? हाँ जी, रिपीट कर, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अगेन सुने इसको एक बार फिर सुने। वो कहता है कि ये आपका सेरिबेलम पड़ा हुआ था, इसका ये नीचे वाला पार्ट था, इसको हम क्या बोलते हैं? टॉन्सल। सेरिबेलर टॉन्सल। सेरिबेलर टॉन्सल क्या करता है? यहां से नीचे आता है और फोरमेन मैग्नम से नीचे की तरफ मूव करता है। हालांकि नॉर्मली इसको यहां तक रहना चाहिए। अब ये नीचे प्रोट्रूड करता है। अब ये, आप ये मत सोचेंगे सर जी ये तो बहुत लंबा हो गया कि यहां से प्रोट्रूड करता हुआ यहां तक पहुंच गया। तो ये स्ट्रक्चर के बिल्कुल साथ साथ पड़ी होती है। छोटा सा आपका यार स्कल, छोटा सा स्कल है, स्ट्रक्चर बिल्कुल साथ साथ पड़ी होती है। जैसे ही फोरमेन मैग्नम से निकलता है तो आगे आपका स्पाइनल कॉर्ड पड़ा होता है बिल्कुल साथ ही। तो वो उससे वहां से स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? कंप्रेस करता है। जब उसको कंप्रेशन होती है ये स्पाइनल कॉर्ड दब जाता है। जब स्पाइनल कॉर्ड दबता है तो इसके अंदर जो सीएसएफ फ्लो कर रहा होता है उसका नॉर्मल फ्लो नहीं होता। सीएसएफ यहां पे अकुमुलेट करता है सीएसएफ स्पाइनल कॉर्ड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेरिंग्स बोलते होते हैं। समझ आ गया? पक्की बात है? कोई क्वेश्चन तो ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें टॉन्सिलर हर्निएशन, ये वाला पार्ट, ये टॉन्सिलर हर्निएशन, और ये नीचे आपका क्या पड़ा हुआ? ये स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां से ये फोरमेन मैग्नम से नीचे निकलकर स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर रहा है? कंप्रेस कर रहा है। जब स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस करता है तो इधर फ्लूइड एक्युमुलेट करता है तो क्या हो जाता है? सेरिंग्स। तो आपको वहां पे क्या हो जाता है? सेरिंग्स हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। yes. कि रिपीट करना है इसको एक बार फिर। समझ आ गई है? yes. चलें मैं इसकी रीडिंग करा देता हूं, इसकी मैं रीडिंग करा देता हूं। जिसको चेरी वन मैलफॉर्मेशन फॉर्मेशन समझ आ गई, अगले उसको सारी समझ आ जानी है। नॉर्मल एनाटॉमी क्या है? वो कहते हैं सेरिब्रल टॉन्सिल्स आर द पार्ट ऑफ द सेरिब्रम लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्कल। वो स्कल के बॉटम में ये वाला जो पार्ट है उसका, इसको हम टॉन्सिल्स बोलते हैं। नियर द फोरमेन मैग्नम, फोरमेन मैग्नम को नीचे पड़ा होता है। फोरमेन मैग्नम क्या होता है? द ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द स्कल। ये भी स्कल के नीचे एक ओपनिंग होता है थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड गुजर रहा होता है। ठीक है। अब डाउनवर्ड हर्निएशन प्रोट्रूजन ऑफ द सेरिब्रल टॉन्सिल्स through foramen magnum into the spinal cord is called cherry vein malformation. इसको हम क्या बोलते हैं? cherry vein malformation. कि foramen magnum से आपका जो tonsillar है ये यहाँ से बाहर निकलकर नीचे की तरफ आ जाए। अब इससे presentation क्या आएगी patient को, क्या क्या symptoms patient को show होंगे? It is usually asymptomatic. जब बच्चा child birth होती है उसकी, या वो childhood में होता है तो उसको कोई symptoms नहीं होते है। बट जब adulthood में पहुंचता है तब वो उसको कुछ symptoms manifest होते हैं। कौन कौन से patient को headache होगी, है ना? हेडेक तो होगी पेशेंट को। और दूसरा सेरिबेलर सिम्टम्स आएंगे। भाई सेरिबेलम का काम क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? सेरिबेलम का काम, सबसे बड़ा काम सेरिबेलम का, सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। जब आपका सेरिबेलम डिफेक्ट आ रहा है, सेरिबेलम का डिफेक्ट आ रहा है, तो क्या आप में कोऑर्डिनेशन होगी? बैलेंस होगा, तो यह आपका इम्बैलेंस हो जाएगा। तो वही डिफिकल्टी विद द कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। पेशेंट को ट्रेमर्स होंगे, शेकी मूवमेंट्स होंगी, तो वो जब लिखने लगेगा तो वो प्रॉपर तौर पर लिख नहीं पाएगा। उसके हैंड्स क्या होंगे? शेकी हैंड होंगे। और स्लर्ड स्पीच होगी, वो प्रॉपर तौर पर स्पीच, यानी जो जो काम आपके सेरिबेलम के हैं उसमें उसको क्या आएगा? प्रॉब्लम आएगा। लेकिन मेन बात इसमें याद क्या रखनी है आपने, कि मेन बात यह है कि बच्चा जब चाइल्डहुड में होगा वो एसिम्प्टोमेटिक होगा। सिम्टम्स कब आएंगे उसको? अडल्टहुड। ये मेन चीज आपने याद रखनी है, जो कि अक्सर एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। और अगर सिम्टम्स आएंगे तो और कुछ याद रहे या ना रहे, हेडेक एंड सेरिब्रल सिम्टम्स याद, ये दो लफ्ज याद रहे बस, कि हेडेक एंड सेरिब्रल सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ याद रहे या ना रहे। और अगर सेरिब्रल सिम्टम्स कोई भी पूछे ना नेक्स्ट टाइम, कोई भी पूछे, तो ये एज ए जनरल क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए कि सेरिब्रल सिम्टम में एक और कोई याद ना रहे, कोऑर्डिनेशन लफ्ज याद रहे, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। ठीक है, तो ये उसके बाद देखें, ये जो मैंने आगे कहा कि प्रोट्रूजन ऑफ सेरिब्रल टॉन्सिल्स मे कंप्रेस द स्पाइनल कॉर्ड, ये नीचे जाके आगे स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर सकती है। दैट रिजल्ट्स इन ब्लॉकेज ऑफ द नॉर्मल सीएसएफ फ्लो इनसाइड स्पाइनल कैनाल, इट लीड्स टू फ्लूइड फिल्ड सिस्ट। तो उसके अंदर एक फ्लूइड की एक्युमुलेशन, एक सिस्ट सी बन जाएगी विद इन द स्पाइनल कॉर्ड, नोन एज द स्पाइनल कॉर्ड कैविटेशन। सेरिंग्स भी इसको हम बोलते होते हैं। आई होप कि आपको चेरी वेन मैलफॉर्मेशन समझ आ गई है कि नहीं समझ आई। तो ये देखिए एमआरआई के अंदर आपको ये देखें, ये नजर आ रहा होगा कि ये देखें जो इसका लास्ट पार्ट है, ये वाला लास्ट पार्ट, ये प्रोट्रूड हो रहा है, ये टॉन्सिल्स। जब पेशेंट का एमआरआई करेंगे तो ये आपको प्रोट्रूड मिलेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट है चेरी टू मैलफॉर्मेशन। मिलती जुलती है उससे, थोड़ा सा फर्क है भाई, थोड़ा सा फर्क है। अब हमने कहा कि ये सेरिबेलम है, ठीक है, यहां पर क्या पड़ा हुआ था हमारा, कौन सा पार्ट था? टॉन्सिल्स। अब सेरिबेलम के बीच में एक मिडल वाला पार्ट था, यहां पर ये मिडल वाला पार्ट, इसको हम बोलते होते हैं वर्मिक्स। क्या बोलते होते हैं हम इसको?
वर्मिस, वर्मिस। अब सेरिब्रम के एक ये पार्ट इसको हम क्या बोलते हैं, टॉन्सिल, और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्मिस। इसके साथ साथ फिर आपके यहां पे क्या होता है आपका, ये अगर ऐसे आए तो ये आपका पॉन्स, फिर ये आपका मेडोला, और यहां पे आपको क्या पड़ा होता है, ऐसे सेरिब्रम पड़ा होता है, ऐसे होता है ना। तो अब मेडोला भी देख ले, इसमें सबसे नीचे क्या पड़ा होता है आपका, एक सेकेंड, मेडोला। तो ये आपका क्या हो गया, पॉन्स, सेरिब्रम, और ये आपका क्या हो गया, मेडोला। अब जरा मसला बढ़ेगा, कैसे, उसमें क्या था, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रोट्रूजन हो रही थी, कौन फोरमेन मैग्नम से क्रॉस हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ टॉन्सिलर सेरिब्रम, सिर्फ टॉन्सिल, टॉन्सिल, टॉन्सिल जो उसका बहर आ रहा था। अब टॉन्सिल भी आएगा बहर, फोरमेन मैग्नम से पास करेगा, वर्मिस भी आएगा पास करेगा, और साथ में मेडोला भी आएगा पास करेगा। अब दो चीजें हो गई हैं, एक तो सेरिब्रम भी आ रहा है, ये तो सेरिब्रम का ही पार्ट है ना, और दूसरा आपका मेडोला भी आ रहा है। ये दोनों कैसे पास करेंगे, फोरमेन मैग्नम से। पहले फोरमेन मैग्नम से सिर्फ कौन पास कर रहा था, टॉन्सिल्स। अब सेरिब्रम भी पास कर रहा है, उसके दो पार्ट, टॉन्सिल और वर्मिस, और साथ में मेडोला भी पास कर रहा है। अब दो क्रॉस कर रहे हैं, तो याद करने का यार सिंपल सा तरीका है कि चेरी वन में वन स्ट्रक्चर बाहर आ रही थी, और चेरी टू में टू स्ट्रक्चर्स बाहर आ रही है। तो सिंपल से याद करने का तरीका है, तो इसमें दोनों स्ट्रक्चर्स बाहर आ जाती हैं। जब ये दोनों स्ट्रक्चर्स बाहर आती है, तो मैंने कहा कि ये आपके क्या है, लैटरल वेंट्रिकल्स, लैटरल वेंट्रिकल्स के बाद फिर आपका थर्ड वेंट्रिकल, सेरिब्रल एक्विडक्ट, फिर आपकी फोर्थ वेंट्रिकल, फिर यहां पे आपका फोरमेन मैग्नम, फोरमेन मैग्नम से नीचे आपको क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या होगा, इसमें कंडीशन जरा सीवियर किस्म की होती है एज कंपेयर टू उसके, इसमें सीवियर कंडीशन होती है। कैसे, उसमें सिर्फ एक चीज बाहर आ रही थी, और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रही थी। अब इसमें दो चीजें बाहर आ रही हैं, टॉन्सिल्स, वर्मिक्स, और क्या आ रहा है, मेडोला भी आ रहा है साथ में। तो ये जब फोरमेन मैग्नम से क्रॉस करते हैं, तो आपकी मोस्टली जो बॉक्स में देखा जाता है कि वो जो है ना इसको कंप्रेस कर देते हैं, जो सेरिब्रल एक्विडक्ट होती है, ठीक है। जब सेरिब्रल एक्विडक्ट यहां से कंप्रेस हो जाती है, तो अब फ्लूइड जो है ना वो वेंट्रिकल्स के अंदर ही फंस गया है ना, फ्लूइड कहां फंस गया, अब वो इधर इकट्ठा नहीं होगा, स्पाइनल कॉर्ड में एक्युमुलेट नहीं करेगा, अब फ्लूइड किन के अंदर एक्युमुलेट करेगा, वेंट्रिकल्स के अंदर। जब फ्लूइड वेंट्रिकल्स के अंदर एक्युमुलेट करता है, तो इसको हम एक कंडीशन बोलते होते हैं, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोस्फेलिस। इसको हम क्या बोलते होते हैं, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोस्फेलिस। अगर वो एक्युमुलेट कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, तो वो चेरी वन होगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, सेरिंग्स। क्या बोलेंगे, सेरिंग्स। अगर फ्लूइड एक्युमुलेट कर रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर, तो वो चेरी टू होगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोस्फेरिस। हो गया, हो गया भाई, पक्की बात है। रीडिंग कराऊं या दोबारा रिपीट करूं इसको, मैं रिपीट करा दूं, रीडिंग करा दूं। चलो रीडिंग देखें, जहां पे कुछ समझ नहीं आए तो मुझे रोक लेना है, मैं किसी दूसरे कंसेप्ट से समझा दूंगा। समझ आ रही है, यही तरीका ठीक है। डॉक्टर माउस, चले चेरी टू मैलफॉर्मेशन देखें। डाउनवर्ड हर्निएशन प्रोटीजन ऑफ द मेडोला अलॉन्ग विद द सेरिब्रल टॉन्सिल्स एंड वर्मिस। अब वर्मिस क्या होता है, नैरो वॉर्म लाइक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम लोकेटेड इन द मिड लाइन। मतलब ये अगर सेरिब्रम है तो उसके मिड में होता है, यहां पर ऐसे वॉर्म नैरो लाइक स्ट्रक्चर थ्रू फोरमेन मैग्नम। ये जो प्रोटीजन है थ्रू फोरमेन मैग्नम के जरिए होती है और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ होती है। दिस इज कॉल्ड चेरी टू मैलफॉर्मेशन। तो इसमें प्रोटीजन ऑफ टू स्ट्रक्चर है, तो चेरी टू मैलफॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब दिस प्रोट्रूजन कंप्रेस द एक्विडक्ट एंड लीड्स टू ब्लॉकेज ऑफ। अच्छा, वैसे मजे की बात बताऊं, वैसे समझ नहीं आ रही है चीज, मुझे भी समझ नहीं आई कि यहां पर आपके जो है ना ये लैटरल, ये अक्सर डॉक्टर्स को अभी तक समझ नहीं आई, लैटरल है, ये आपका थर्ड वेंट्रिकल है, और ये आपका एक्विडक्ट है, और ये फिर आपका फोर्थ वेंट्रिकल है, यहां फोरमेन मैग्नम है, यहां स्पाइनल कॉर्ड है। तो वो कहता है यहां से चीजें निकलकर, इससे निकलकर इसको इसकी तरफ जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। लेकिन फिर हर बुक में लिखा गया कि कंप्रेस वो किसको कर रहे हैं, एक्विडक्ट को, ठीक है। इसका जवाब आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं है, तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हाँ रिसर्च जारी है। तो लेकिन वो कंप्रेस इसको करता है, बस आप इतना याद रखिए वो इसको कंप्रेस करता है बस, ठीक है। हाँ जी, डॉक्टर बैर कहते हैं मेरे पास आंसर है। बुक्स में लिखा गया कि इसकी स्टीनोसिस होती है, स्टीनोसिस का मतलब होता है ब्लॉक करना, कि वो इसको ब्लॉक कर देते हैं एक्विडक्ट को, सेरिब्रल एक्विडक्ट को। चले खैर,
ये एक्वीडक्ट को ब्लॉक करेगा तो नॉर्मल ब्लड फ्लो। और जो अगर देखें अब ये इस हाइड्रोसिफेलस की भी दो टाइप्स होती हैं भाई, एक होती है कम्युनिकेटिंग, एक होती है नॉन कम्युनिकेटिंग। ये मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज जो नॉन कम्युनिकेटिंग होती है वो ये होता है कि अभी CSF ने वेंट्रिकल्स को लीव करके स्पाइनल कार्ड में इंटर नहीं हुआ था कि ऊपर ही फंस गया, वेंट्रिकल्स में फंस गया, इसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। अगर वो वेंट्रिकल्स को छोड़ जाए और उसके बाद जाकर उसको स्पाइनल कार्ड में मसला है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज है, याद रखें आपकी मर्जी है, ना रखें आपकी मर्जी है, बट इतना याद हो कि इसमें आपको नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस होती है, चैरिटी मेफॉर्मेशन, वेंट्रिकल्स में फ्लूइड की कम्युलेशन होती है। अब मैंने पहले कहा आपको कि इट इज मोर सिवियर देन चेरी वेन, उससे ज्यादा सिवियर होती है, क्यों? और सिवियर के बाद उसमें क्या था कि उसमें जो सिम्टम्स थे वो पेशेंट को कब आ रहे थे, जब वो अडल्टहुड में जा रहा था। इसमें पेशेंट को सिम्टम्स चाइल्डहुड में आ जाएंगे, अर्ली लाइफ में आ जाएंगे। ठीक है, ये दो इनमें डिफ्रेंशिएट आपको करना है, उसमें अर्ली लाइफ में नहीं थे, अडल्टहुड में थे, इसमें क्या है अर्ली लाइफ में ही आ रहे हैं, उसमें ही आ रहे हैं। पेशेंट को क्या होगा, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्यों होता है, अभी मैंने ऊपर भी कहा यहां भी कहा, डिस्फेजिया क्यों होता है कौन बताएगा, मैंने लिखा हुआ भी है यार, बताया मुझे। वेरी गुड, कंप्रेशन ऑफ एसोफेगस कौन करेगा? वो जो प्रोटीजन हो रही है उसकी वजह से एसोफेगस भी कंप्रेस हो सकती है, तो आपको आपको डिस्फेजिया हो सकता है। और आपको स्ट्राइडर होंगे, हाई पिच्ड, स्ट्राइडर क्या होते हैं, हाई पिच्ड नॉइजी ब्रीदिंग साउंड्स होते हैं ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ अपर एयरवे। तो जो आपका अपर एयरवे है वो भी इससे कंप्रेस हो सकता है सवेयर कंडीशन में, सवेयर कंडीशन में। ओके, और एपनिया जब मोर सवेयर हो जाए तो आपके अपर एयरवे इतना कंप्रेस हो जाएंगे कि उनमें ब्रीदिंग ही नहीं होगी, तो फिर वो इसको एपनिया बोल, इसको एपनिया बोलते होते हैं। और लिम्ब वीकनेस के जो नर्व्स, अब देखें कि कुछ नर्व्स हैं जो आपकी जो अपर लिम्ब्स हैं उनको सप्लाई कर रही हैं, किसको, अपर लिम्ब्स को सप्लाई कर रही हैं। अगर ये नर्व्स उधर पास पड़ी हुई है और ये नर्व्स हो जाए कंप्रेस, तो क्या ये वाली नर्व्स प्रॉपर काम करेंगी? नहीं, तो आपकी जो अपर लिम्ब्स है उनको प्रॉपर सप्लाई नर्व की नहीं जाएगी। तो आपको जो लिम्ब है वो लिम्ब, अपर लिम्ब्स है या लोअर लिम्ब्स है, जो भी लिम्ब्स हैं उन लिम्ब्स में क्या हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको जो नर्व सप्लाई जा रही है वो प्रॉपर नहीं जा रही। तो ये देख लें कि इसमें सिम्टम्स ये आते हैं और सवेयर कंडीशन में ये, बस इसमें और कुछ याद रहे या ना रहे, आपको ये याद रहना चाहिए कि ये अर्ली लाइफ में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद माइलोमेनिंजियल। कौन बताएगा व्हाट इज माइलोमेनिंजियल? मैंने कल पढ़ाया था, आज मैंने रिवाइज कराया है, डॉक्टर ज़ुबैर बताएंगे, और कोई नहीं बताएगा, डॉक्टर डॉक्टर ज़ुबैर बताएंगे। जूम पे कोई बोले यार, जूम पे कोई बोले, डॉक्टर रबिया आप बताएं, आपने कल ज्वाइन की थी क्लास और सारी ली थी, क्या होती है माइलोमेनिंजियल? हाँ जी बताया कोई यार, मैंने अभी ये देखे, ये देखे, हाँ जी बोन डिफेक्ट्स, उसके बाद हाँ जी बोन डिफेक्ट्स, उसके बाद प्रॉपर बताएं, मेनिंजीज और स्पाइनल कार्ड दोनों बहरा आ जाते हैं, ये देखें माइलोमेनिंजियल, आपकी ये मेनिंजीज भी बहरा रही है, स्पाइनल कार्ड दोनों बहरा आ रहा है, तो ये उसके साथ एसोसिएट करता है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखनी, ये वाली चीज भी आपने याद रखनी, इसको भी नहीं भूलना। डॉक्टर ज़ुबैर पता नहीं आजकल कहाँ घूम रहे हैं, अब डॉक्टर ज़ुबैर से पूछा है उनको क्या है। और ये यूजली कहाँ पे होता है, लंबो सैक्रल रीजन के ऊपर होता है। आपको आपको माइलोमेनिंजियल मैंने पहले बताया था कि आपको लोअर पार्ट में होता है, तो ये वही लिखा हुआ है यूजली लंबो सैक्रल रीजन कि जो लोअर आपका स्पाइनल कार्ड का हिस्सा होता है वहां पे मोस्टली ये होता है। तो आई होप कि आपको चेरी वन और चेरी टू में डिफ्रेंशिएशन समझ आ गई होगी। तो ये देखें इधर लैटरल, ये लैटरल आपके वेंट्रिकल्स हैं, ये दोनों लैटरल वेंट्रिकल्स, और ये लैटरल वेंट्रिकल्स के अंदर आपको जो है ना वो अकुमुलेट कर रहा है आपका जो है ना फ्लूइड, इसको हम हाइड्रोसेफेलस बोलते होते हैं। और डाउनवर्ड प्लेसमेंट ऑफ सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम, और कुछ बुक्स में लिखा जाता है कि फोर्थ वेंट्रिकल भी नीचे की तरफ क्या कहा जाता है, प्रोट्रूड कर जाता है फोर्थ वेंट्रिकल भी। हाँ, ये दैट मे बी द रीजन, आई गॉट द आंसर, आई जस्ट गॉट द आंसर, दैट मे बी द रीजन ऑफ दैट। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके लैटरल वेंट्रिकल्स, ये उसने साइड व्यू दिखाया हुआ और मैं ये आपको फ्रंटल व्यू दिखा रहा हूँ। ये लैटरल वेंट्रिकल्स, ये आपका थर्ड वेंट्रिकल, और ये आपकी एक्वीडक्ट, और यहाँ पे क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल और फोरमेन मैग्नम। और भाई जब फोर्थ वेंट्रिकल नीचे की तरफ करेगा मूव,
तो ऑफकोर्स आपके सेरेब्रल डक्ट भी नीचे की तरफ आ जाएगी, तो वो जो ST कंप्रेशन हो जाएगी, फिर समझ आ गई आप, तो इसकी वजह से हो सकता है। चले ये समझ आ गया आपको, चेरी वन चेरी टू नाउ इट्स थर्ड वन डैंडी वॉकर मैलफॉर्मेशन है। डैंडी वॉकर मैलफॉर्मेशन इसमें क्या होता है यार, ये बड़ा आसान सा है, बड़ी आसान सी है, देखें। हाँ जी आराम से देखें, वो कहता है ये आपका सेरिबलम पड़ा हुआ ना ये वाला, अब जो सेरिबलम है उसका जो है ना जो वर्मिस पार्ट है, उसका जो वर्मिस पार्ट है ये वाला जो मिडल वाला होता है, ये वर्मिस पार्ट उसका बनता ही नहीं है। यूं समझ लें कि जो सेरिबलम है उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती। अब वैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि ये आपका इस तरह पड़ा हुआ होता है सेरिबलम, ठीक है, और यहाँ पे आपके क्या पड़ी होती है, यहाँ पे आपका पड़ा होता है जी आपका फोर्थ वेंट्रिकल, क्या होता है आपका फोर्थ वेंट्रिकल, लेट मी चेंज द कलर। अब होता क्या है कि आपका जो सेरिब्रम है वो उसकी मुकम्मल डेवलपमेंट नहीं होगी, तो वो छोटा रह जाएगा, ये यहां तक रह जाएगा। जब वो छोटा रह जाएगा तो इधर से जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो यहां से बाहर निकल आएगा, अब उसको रोकने वाला कोई नहीं है, वो आजाद है। जब वो आजाद, यार वेंट्रिकल कैसे बनते हैं, वेंट्रिकल इस तरह बनते हैं कि इधर से कोई दीवार आ गई, इधर से कोई दीवार आ गई, इधर से कोई दीवार आ गई, दरमियान में एक स्पेस रह गई, इस तरह वेंट्रिकल बन जाते हैं। अब जो इस तरफ वाली दीवार थी वो है ही नहीं, तो जो वेंट्रिकल है वो इस तरह बड़ा बड़ा सा बन जाएगा इस तरह। तो इसमें आपका पहली चीज से सेरिब्रम प्रॉपर नहीं बनता, और दूसरा वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल बहुत बड़ा होगा, इनलार्ज होगा, और तीसरा ये पीछे वाला पार्ट कौन सा था, हम कौन सी मालफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं बताएं मुझे, मैंने कहा था इसका पीछे वाला पार्ट पोस्टीरियर फोसा, तो जितना भी पोस्टीरियर फोसा होगा उस सबको किसने फिल किया होगा, फोर्थ वेंट्रिकल ने। अब पूरे आपको पोस्टीरियर फोसा में क्या नजर आएगा, फोर्थ वेंट्रिकल। ये तीनों अगर आप करेक्ट करेक्टर्स मिला लें, दिस इज कॉल्ड डैंडी वॉकर मैलफॉर्मेशन, ठीक है, रीडिंग करें। आसान था ना, वो कहता है सेरिब्रलर वर्मिस फेल्स टू डेवलप प्रॉपरली ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट एजेनेसिस ऑफ सेरिब्रलर वर्मिस। एजेनेसिस का मतलब होता है किसी की डेवलपमेंट हो ही ना, बिल्कुल ही ना हो। फोर्थ वेंट्रिकल बिकम्स एबनॉर्मली इनलार्ज एंड फॉर्म्स सिस्टिक स्ट्रक्चर फिल्ड विद CSF, तो बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसके अंदर फ्लूइड बड़ा होता है, आपका CSF भरा होता है, उसके सिस्ट पड़े होते हैं। सिस्टिक इनलार्जमेंट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, इनलार्ज फोर्थ वेंट्रिकल फिल्स द इनलार्ज पोस्टीरियर फोसा, इट इज एसोसिएटेड विद स्पाइना बिफाइडा एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोस्फाइलस ड्यू टू कंप्रेशन बाय द फोर्थ वेंट्रिकल। अब फोर्थ वेंट्रिकल कंप्रेस करेगा, जब फोर्थ वेंट्रिकल कंप्रेस करेगा ऊपर वाले एक्विडक्ट को और थर्ड वेंट्रिकल को, तो आपको नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोस्फाइलस पेयर हो जाएगी और स्पाइना बिफाइडा भी आपको इससे हो सकता है। याद हो गया, कुछ और याद रहे या ना रहे, तीन चीजें याद हो कि सेरिब्रम प्रॉपर नहीं बनता, फोर्थ वेंट्रिकल इनलार्ज होता है, दो चीजें ये रहे और तीसरी चीज ये कि ये नॉन कम्युनिकेटिंग और स्पाइना बिफाइडा से एसोसिएट करता है, दैट्स इट, ठीक है। ओ माय गॉड, सिरेंजियोमाइला, ये डिजीज पढ़ाते वक्त मैं सोच रहा था कि पहले आपको ट्रैक्स पढ़ा दूं, फिर मैंने कहा कि वो तो फिर न्यूरोनाटमी और न्यूरोफिजियो की हम कहते हैं कि उसकी वो क्या कहते हैं, सबसे मेन चीज को हम क्या कहते हैं, नहीं किसी चीज की कोई मेन चीज हो तो हम शाहराग बोलते, क्या बोलते हैं, अपना माइक बंद रखें, तो हम उसमें घुस जाते हैं, न्यूरोनाटमी न्यूरोफिजियो में घुस जाते हैं। तो मैंने कहा कि आपको यहां समझाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। अच्छा जी, अब होता क्या है, सिरेंजियो, हम सिरेंजियो मैलिया पढ़ लेते हैं और फिर टंग डेवलपमेंट बस फिर खत्म करते हैं क्लास, है जी, हाँ चले थोड़ा मैं देखता हूँ कितना थोड़ा होता है, 50 तक फिर भी ले जाऊंगा आपको जरा। चले सिरेंजियो मैलिया, अब देखें सिरेंजियो मैलिया क्या, वैसे नॉर्मली देखें कि आपको चेरी वेन मैलफॉर्मेशन हुई, क्या हुई, अब मैं जरा पीछे वाली चीजें रिपीट हो जाएंगे, चेरी वेन, उसमें क्या होता है कि प्रोट्रूजन होती है सेरेब्रल टॉन्सिल की जो कि कंप्रेस करती है स्पाइनल कार्ड को, स्पाइनल कार्ड कंप्रेस हो गया, पॉइंट टू बी नोटेड, स्पाइनल कार्ड क्या हो गया कंप्रेस। दूसरी चीज फिजिकल ट्रोमा हुआ टू द स्पाइनल कार्ड, ये भी स्पाइनल कार्ड में ट्रोमा हुआ उसको, वो इधर भी उसको मसला होगा स्पाइनल कार्ड को। नंबर टू, नंबर थ्री ट्यूमर इन और नियर द स्पाइनल कार्ड, उसमें क्या था ट्यूमर था, यहां पर भी मसला स्पाइनल कार्ड को। नंबर थ्री, नंबर फोर कि इन्फ्लेमेशन हुई स्पाइनल कार्ड की, नंबर फोर, चार चीजें, पहली चीज स्पाइनल कार्ड कंप्रेस हुआ, दूसरी चीज फिजिकल ट्रोमा हुआ, तीसरी चीज स्पाइनल कार्ड में कोई ना कोई ट्यूमर था, नंबर फोर उसमें कोई इन्फ्लेमेशन थी, ये चार चीजें। जब ये चार चीजें होंगी तो स्पाइनल कार्ड में क्या हो रहा है, डिफेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर इंजरी या कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। जब ये चार चीजें होती हैं तो फिर आपकी बॉडी में होते हैं ग्लियल सेल्स, क्या होते हैं ग्लियल सेल्स, वो ग्लियल सेल्स क्या हो जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लियल सेल्स, कौन कौन से होते हैं,
हाँ जी, तो उस वो जो कल मैंने पढ़ाए थे ग्लियल सेल्स, ये ग्लियल सेल्स क्या हो जाते हैं? एक्टिव। ये एक्टिव होते हैं, पहली बात ये एक्टिव होते हैं, फिर ये क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? जब भी आपके स्पाइनल कार्ड को इंजरी होती है, डैमेज होता है, ये एक नॉर्मल फंक्शन बता रहा हूं, जब भी उसको इंजरी होती है, डैमेज होती है, जैसे आपकी बॉडी में कोई इंफेक्शन हो या कोई बैक्टीरिया आ जाए, तो आपके मैक्रोफेज क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये जैसे ही जाते हैं तो उनके ग्लियल सेल्स मोस्टली मैक्रोग्लिया सेल्स होते हैं। कौन से? मैक्रोग्लिया। तो ये सेल्स क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट। ये सेल्स एक्टिवेट होते हैं और अपने नंबर बढ़ाते हैं, और अपने नंबर बढ़ा के जो भी मसला हुआ, जो भी इन्फ्लेमेशन हुई है, उसको रोकते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या करते हैं? रोकते हैं। इन्फेक्शन क्या करते हैं? रोकते हैं। ये होता है नॉर्मल प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं जिलेस प्रोसेस। जिलोसिस प्रोसेस क्या बोलते हैं? गिलियोसिस प्रोसेस, कुछ भी पढ़ सकते हैं। गिलियोसिस प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं? अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई एबनॉर्मैलिटी हो, कि आपके ग्लियल सेल्स ओवर एक्टिव हो जाए, ग्लियल सेल्स ओवर एक्टिव हो जाए, तो वो फिर क्या करते हैं कि आप कहां गया? अब ग्लियल सेल्स आपकी जो स्पाइनल कार्ड है, ये स्पाइनल कार्ड के अंदर मसला हुआ है ना, तो वो अंदर ही एक्टिव होते हैं। ग्लियल सेल्स अंदर, ये लेट्स सपोज स्पाइनल कार्ड है, तो ग्लियल सेल्स स्पाइनल कार्ड के अंदर एबनॉर्मल कैविटीज बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एबनॉर्मल कैविटीज। और उन एबनॉर्मल कैविटीज की जो लाइनिंग होती है, वो कैसे बनी होती है? ग्लियल सेल्स से बनी होती है। अब ये उसको अंदर से लाइन कर देते हैं, ऐसे ऐसे सारे ग्लियल सेल्स इकट्ठे होते हैं बाहर से, ऐसे इकट्ठे होते हैं और क्या बना देते हैं? कैविटी बना देते हैं। ये एबनॉर्मैलिटी बता रहा हूं आप, क्या बना देते हैं? कैविटी। जिसको किसने लाइन किया होता है? ग्लियल सेल्स ने। किसने? ग्लियल सेल्स ने। इनको क्या क्या होता है? लाइन क्या होता है? जब इनको ग्लियल सेल्स लाइन करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते होते हैं? ग्लियोसिस प्रोसेस। क्या बोलते होते हैं? ग्लियोसिस प्रोसेस, या फिर इसको हम ग्लियल स्कार भी बोलते होते हैं। क्या बोलते होते हैं? ग्लियल स्कार भी बोलते होते हैं। अब ग्लियोसिस प्रोसेस या फिर ग्लियल स्कार के नतीजे में मजीद क्या होगा कि इसके अंदर जो आपका CSF है वो अकोमुलेट कर जाएगा। CSF क्या कर जाएगा? इधर इन कैविटीज के अंदर CSF अकोमुलेट करेगा। जब CSF अकोमुलेट करता है, तो इसको हम बोलते हैं सेरिंग्स। क्या बोलते हैं? सेरिंग्स। तो इस तरह अंदर सेरिंग्स बन जाएगी, कैविटी बन जाएगी, और उसको उसको ग्लियल सेल्स होंगे, और उसके अंदर क्या बन जाएगा? CSF की अकोमुलेशन सेरिंग्स बन जाएगा। अब मजे की बात आ जाए, तो ये समझ आ गया? रिपीट कर रहे हैं इसको, रिपीट मैं एक बार रिपीट। देखें, नंबर वन थिंग, लेट मी चेंज द कलर। नंबर वन, कि चेरी मैलफॉर्मेशन हुई। चेरी मैलफॉर्मेशन क्या होती है? कि प्रोट्रूजन होगी सेरेब्रल टॉन्सिल की, तो वो स्पाइनल कार्ड को कंप्रेस करेगा। नंबर वन, स्पाइनल कार्ड कंप्रेस हो गया। नंबर टू, फिजिकल ट्रॉमा हुआ स्पाइनल कार्ड को। नंबर थ्री, ट्यूमर बना स्पाइनल कार्ड के अंदर, स्पाइनल कार्ड ही डैमेज हो रहा है। तीन, नंबर फोर, कि स्पाइनल कार्ड के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हुई। ये चार चीजें, इसके नतीजे में आपके जो ग्लियल सेल्स होते हैं, ये होते हैं एक्टिव। क्या होते हैं? और मल्टीप्लाई करके जो भी मसला हुआ है, उस इंजरी से स्पाइनल कार्ड को बचाते हैं। ये नॉर्मल है। लेकिन अगर वो एबनॉर्मल हो जाए, तो वो अब स्पाइनल कार्ड के अंदर ही इस तरह कैविटी बना लेते हैं सारी। क्या बना देते हैं? कैविटी। और उस कैविटी के अंदर फ्लूइड एक्युमुलेट कर जाता है। जो कैविटी बनती है, उसको हम ग्लियल सेल्स कैविटी कहते होते हैं। ठीक है, अब इस कैविटी के अंदर फ्लूइड एक्युमुलेट करता है, उसकी एक्युमुलेशन को स्पाइनल कार्ड के अंदर जब फ्लूइड की एक्युमुलेशन होती है CSF की, उसको हम क्या बोलते होते हैं? सेरिंग्स। तो वहां पर फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं? सेरिंग्स। समझ आ गया यहां तक? ये समझ आ गया कि डिजीज की डेफिनेशन क्या है? अब इसके जैसे मसले क्या होते हैं, इस डायग्राम पे आपने फोकस करना है। ये उसने बनाया हुआ है स्पाइनोथेलमिक ट्रैक, या सैनिक ट्रैक होता है, लेकिन आपको उसको छोड़ दे, बस मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ, ऊपर ऊपर से सुन ले। देखिए, ये आपका स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, और ये वाला जो आपका हॉर्न है, ये कौन सा हॉर्न है? ये वाला डॉर्सल हॉर्न है। मैंने कल परसों पढ़ाया भी था इसको। ये डॉर्सल हॉर्न है, ये कौन सा हॉर्न है? डॉर्सल हॉर्न, या फिर डॉर्सल हॉर्न को पोस्टीरियर हॉर्न भी कहते होते हैं। डॉर्सल में ऐसा आता है, पोस्टीरियर में भी ऐसा आता है, तो डॉर्सल पोस्टीरियर। एंटीरियर में टी आता है और वेंट्रल में टी आता है, तो वेंट्रल एंटीरियर, मैंने कल बताया था। तो ये वाला हॉर्न आपका कौन सा है? एंटीरियर हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न। ऊपर वाला कौन सा था? डॉर्सल हॉर्न। ये वाला कौन सा आपका? वेंट्रल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न और ग्रे मैटर। ओके, आगे मूव करूं मैं। अब क्या होता है? अब होता यह है कि ये आपकी क्या पड़ी हुई है? सेंट्रल कैनाल, स्पाइनल कार्ड की सेंट्रल कैनाल पड़ी हुई है। अब सेंट्रल कैनाल के अंदर क्या बना? सेंट्रल कैनाल के अंदर आपका, नहीं सेंट्रल कैनाल नहीं है, सेंट्रल कैनाल तो आपकी ये है, ये आपका ये क्या पड़ा हुआ है? सेंट्रल कैनाल पड़ी हुई है। अब इस सेंट्रल कैनाल के अंदर हमने क्या बनाया भाई? ये बनाई है ना कैविटी, और कैविटी के अंदर क्या है? सेरिंग्स है। अगर ये एक्युमुलेशन बढ़ती जाए, लेट मी चेंज द कलर, लेट मी चेंज समथिंग एल्स। अगर ये बढ़ती जाए, तो ये इसको कंप्रेस करना शुरू नहीं कर देगा? स्पाइनल कैनाल अब इस तरफ कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी, है ना? अब ये स्पाइनल कार्ड क्या होगी? कंप्रेस होगी, यहां तक बस इसकी कंप्रेशन होगी, डिलेटेशन होगी, यहां पे रुक जाए, इधर आ जाए। अब इधर से आपकी आती है नर्व्स, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। थोड़ा सा बताने लगा हूं,
स्पेनोथर्मिक ट्रैक क्या होता है कि आपकी जो लिम्स होती हैं, आपकी जो लिम्स होती हैं मोस्टली अपर लिम्स, ये देखें मोस्टली अपर लिम्स, यहां से जो पेन है और जो टेम्परेचर है, उसकी जो सेंसेशन है वो कौन लेके आता है, कहां से आती है, कि जो अपर लिम्स से जो आपका पेन है और जो सेंसेशन है उनको आपके पकड़ती हैं सेंसरी नर्व्स, क्या पकड़ती हैं सेंसरी नर्व्स, और नर्व्स वहां से उनको पकड़ के लेके आती है इधर, और इधर आपका पड़ा होता है डार्सल रूट गैंगलिया। डार्सल रूट याद आ रहा है डॉक्टर सईद, मैंने कल बताया था डार्सल रूट गैंगलिया, तो वो डार्सल रूट गैंगलिया के अंदर जाती है, जैसे ही डार्सल रूट गैंगलिया के अंदर जाती है और फिर यहां से बाहर निकलती है, और यहां से बाहर निकलकर इधर आती है आपके किस हॉर्न में आ गई, अब ये डार्सल हॉर्न में, डार्सल हॉर्न से मूव करती हुई, इसको मैं साफ कर रहा हूं, डार्सल हॉर्न से मूव करती हुई ऐसे आती है और सेंट्रल कैनाल से आगे निकलती है, सेंट्रल कैनाल से आगे निकलती है, सेंट्रल कैनाल से आगे आपका पड़ा होता है इंटीरियर वाइड कमीशन, क्या पड़ा होता है इंटीरियर, ये वाला, इसमें जाती है, और इसमें जाने के बाद फिर यहां से ऊपर उठती है, फिर वहां से किसमें से गुजरती है आपकी डॉर्सल हॉर्न से, सॉरी इट्स रॉन्ग, यहां से आती है और यहां से नीचे मूव करती है, इसके आगे से होती हुई फिर यहां से ऊपर की तरफ उठती है और स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर आपके ब्रेन की तरफ चली जाती है, किसकी तरफ, ये नर्व इस तरह जाती है और ब्रेन को जाके सिग्नल देती है कि आपको जो है ना अपर लिम की राइट आर्म में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, या फिर वहां पे आपको टेम्परेचर हो रहा है, तो इस तरह आपकी जो टेम्परेचर की सेंसेशन है वो ऊपर तक पहुंचती है। ये कंप्लीट एक असेंडिंग ट्रैक है जो कंप्लीट डिटेल में हमने पढ़ना है, मैंने आपको सिर्फ इसकी आप समझ लें ट्रेलर भी नहीं दिखाया मैंने, ठीक है, बस इतना समझ लें, बस इतना समझ लें कि यहां से सेंसेशन आती है, तो यहां से सेंसेशन आके आपके डॉर्सल ग्रे हॉर्न से फिर आपकी एंटीरियर वाइट कमीशन जो कि आपके सेंट्रल कैनाल के सामने पड़ा होता है, इससे गुजरता है और इससे होता हुआ ऊपर चला जाता है और ब्रेन को जाके सिग्नल देता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखें, अब ये ट्रैक वैसे दोनों तरफ से होता है, ये क्या होता है दोनों तरफ से होता है, एक मिनट, अब ये इधर से भी आया, इधर से राइट से लेके आएगा, अब इसने लेफ्ट आर्म से भी तो लेके आना है, तो लेफ्ट आर्म से यही सेम लेके आएगा और यही डॉर्सल हॉर्न, फिर वही सेम चीज, और यहां से होता हुआ इधर ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं ना, नहीं समझ आ रहा, आ रहा समझ, तो जो अब इधर से आएगा वो इधर से उठ के इधर जा रहा है, सेम इसका पाथवे है, और ये इधर से आके इधर आ रहा है, सॉरी इधर से आके ये ऐसे ऊपर जा रहा है, तो दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, इधर क्रॉस कर रहे हैं, तो ये आपका स्पेनोथर्मिक ट्रैक होता है, समझ आ गया, और ये पेन और टेम्परेचर को लेकर जाता है आपकी अपर लिम से, ओके। अब मसला होगा स्टार्ट, अभी आपको मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसके अंदर जो चीज पड़ी हुई थी उसने इसको क्या किया, कंप्रेस किया, इसको डायलेट किया, तो आपकी स्पाइनल कैनाल क्या हुई, डायलेट, जब स्पाइनल कैनाल यहां से डायलेट होगी, ये वाली, ये जैसे ही डायलेट होगी तो इधर जो इंटीरियर कमीशन पड़ा हुआ था इसको कंप्रेस नहीं करेगी, जब उसको कंप्रेस करेगी तो आपका ये जो क्रॉसिंग फाइबर था यहां पर, तो क्रॉसिंग फाइबर भी क्या हो जाएंगे भाई, कंप्रेस हो जाएंगे, जब क्रॉसिंग फाइबर कंप्रेस होंगे तो क्या आपकी ये नर्व प्रॉपरली काम कर पाएंगे, नो नो नो, तो क्या जो यहां से सिग्नल आ रहा था वो यहां से ऊपर जाएगा, जो यहां से सिग्नल आ रहा था वो यहां से ऊपर जाएगा, ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, तो क्या अब आपको जो अपर लिम्स में जो पेन और जो टेम्परेचर की सेंसेशन है वो फील होंगी, नहीं, तो इस पेशेंट को अपर लिम की पेन और सेंसेशन फील नहीं होती, तो लुक्स लाइक अ कैप, ये देखें कैप की तरह है ना, जैसे किसी ने ऐसे कैप रखी ऊपर, तो कैप्स लाइक आपको इस तरह वो लफ्ज यूज होगा, इसलिए मैंने बता दिया, तो समझ आ गया, ये रिपीट करो उसको शुरू से, मैं हाँ जी समझ आ गया, चले मैं रीडिंग कराता हूँ और साथ में रिपीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते आपकी आसान सी डिजीज सिरिंजियो माइलिया, आसान सी है ना, यह ट्रैक बड़े मजे के हैं, देख कितना आसान सा ट्रैक था ये, है मैंने बना दिया, चलो यार थैंक यू सो मच यार, सीवीएस आसान है कि नर्वस सिस्टम आसान है, सीवीएस आसान है, अभी यार इसमें आगे चले तो सही, ये ज्यादा आसान है उससे, चले वो कहते हैं द ग्लियोसिस प्रोसेस स्टार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू चेरी वन बार फॉर्मेशन हो, मेलफॉर्मेशन हो, होती क्या है ये मैंने बता दिया, फिजिकल ट्रोमा हो, स्पाइनल कॉर्ड को ट्यूमर हो, या फिर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो, इसके नतीजे में ग्लियोसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है, ग्लियोसिस प्रोसेस क्या होता है कि ग्लियल सेल्स ऑफ द सीनस बिकम एक्टिवेटेड एंड मल्टीप्लाई इन रिस्पॉन्स टू स्पाइनल कॉर्ड टू और डैमेज, उसके डैमेज उसके नतीजे में ये एक्टिवेट हो जाएंगे, इट इज नॉर्मल रिस्पॉन्स टू ग्लियल सेल्स, इट इज नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ ग्लियल सेल्स टू क्लीन अप द डैमेज टिश्यूज, के जो नर्वस सिस्टम के जो टिश्यू डैमेज हुए हैं उनको साफ करना है एंड हीलिंग जो है ना उसको प्रमोट करना है, ये नॉर्मल फंक्शन है, बट इन सम केसेस दीज एक्टिवेटेड ग्लियल सेल्स मे फॉर्म द कैविटी लाइंड विद दीज सेल्स, ये कैविटी बनाते थे जो इन्हीं सेल से लाइन की होती है, इट इज नोन एज द ग्लियोसिस लिंक्ड, पानी है
आई एम सॉरी, ग्लियोसिस लाइन कैविटी बन जाती है, या फिर हम इसको ग्लियल स्कार भी बोलते होते हैं। दिस कैविटी कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड सिस्ट इनसाइड द स्पाइनल कैनाल, इसको हम बोलते होते हैं सेरिंग्स। तो ये देखिए स्पाइनल कैनाल के अंदर, ये आपका एमआरआई के अंदर इस तरह सेरिंग्स दिखाई देगा, नजर आ रही है एक्युमुलेशन, ये देखें। अब नेक्स्ट क्या होता है, सेरिंग्स एक्सटेंड्स और डायलेट्स द स्पाइनल कैनाल दैट कंप्रेस डैमेजेस द क्रॉसिंग फाइबर्स ऑफ द स्पाइनोथेलमिक ट्रैक। समझ आ रहा है कि उसके उसको स्पाइनल जो फाइबर क्रॉसिंग फाइबर उनको कंप्रेस करेगा। इन एंटीरियर वाइड कमियर एज स्पाइनोथेलमिक ट्रैक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द सेंसरी इन्फॉर्मेशन लाइक पेन एंड टेम्परेचर फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द थैलेमस इन ब्रेन फ्रॉम अपर एक्सट्रीमिटीज। सो डैमेज टू स्पाइनोथेलमिक ट्रैक लीड्स टू कैप लाइक लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन इन बाइलेटरल अपर एक्सट्रीमिटीज। अब इसमें मसला एक में नहीं आएगा, आप कहेंगे सर जी एक में मसला आना चाहिए क्योंकि क्रॉसिंग फाइबर्स को डिस्टर्ब कर रहा है, दोनों यहां से गुजर रही है, अगर इधर कंप्रेशन होगी तो इधर एक में मसला है, इधर कंप्रेशन इधर एक में मसला, लेकिन जहां पे वो क्रॉस कर रहे हैं वहां दोनों को ही कंप्रेस कर रहा है एक ही साथ, तो दोनों में मसला होगा, तो बाइलेटरल इसलिए इसका मसला होगा। समझ आ गई है दिस सेरिंग्स सेंट्रल कैनाल। अच्छा एक और चीज जो मैं बताना भूल गया, अब इधर से ही देख ले, द सेरिंग्स सेंट्रल कैनाल एक्सपेंशन मे डैमेज द इंटीरियर हॉर्न्स विच कंटेन्स द सेल बॉडीज ऑफ द लोअर मोटर न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द सिग्नल टू स्पाइनल कॉर्ड टू मसल डैमेज टू द नर्व। चलो यार यहां से देख ले, यहां समझ लिया, ये देखें, अब वो कहता है जो इंटीरियर हॉर्न है ये वाली इंटीरियर हॉर्न, ये वाली पोस्टीरियर हॉर्न थी ना, ये वाली क्या है इंटीरियर हॉर्न है, वो कहता है कि ये मजीद अगर स्वेलिंग हो जाए इसकी, मजीद इसमें ये एक्सपेंड कर जाए तो ये इंटीरियर हॉर्न को भी कंप्रेस करेगा, किसको, और इंटीरियर हॉर्न के अंदर पड़ी होती है सेल बॉडीज, क्या पड़ी होती है, किसकी, लोअर मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो ब्रेन से सिग्नल लेके आते हैं और मसल्स को देते हैं कि आपने रिएक्शन क्या देना है, वो होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो यहां पर जो मोटर लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके जो मसल्स होते हैं उनको सप्लाई करते हैं कि आपने क्या करना है, रिएक्शन करना है। तो अगर ये कंप्रेस हो जाए तो सेल बॉडीज ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, तो क्या अब रिएक्शन होगा, मसल्स की रिएक्शन होगी, तो वहां पर मसल्स क्या हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है। समझ आ गई है इसकी रीडिंग, अब समझ आएगी। सेरिंग्स सेंट्रल कैनाल मे डैमेज द इंटीरियर हॉर्न which contains the cell bodies of the lower motor neurons responsible for sending the signals from spinal cord to the muscles. So damage to anterior horn lower motor neuron can lead to weakness or paralysis of the affected muscles. और ये these layers mostly occur C2 और C9 के दरमियान में, ये mostly happen होते हैं, it is important, this is MCQs, ठीक है, समझ आ गई है। बस आखिरी concept है tongue development, थोड़ा सा ये देखें, छोटा सा है छोटा सा यार, यकीन करें इसमें बस टू द पॉइंट चीजें रखूंगा मैं, टू द पॉइंट चीजें रखूंगा बस। अब वो कहते हैं टंग के तीन रीजन होते हैं, टंग के कितने रीजन होते हैं, तीन रीजन होते हैं। अब बोले डॉक्टर जुबैर, डॉक्टर मोहस बोले, किसने कहा कि तीन, चले ये उसका है एंटीरियर टू थर्ड पार्ट, ये वाला तीन रीजन एंटीरियर टू थर्ड और ये वाला आपका पोस्टीरियर वन थर्ड और इस वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सट्रीम पोस्टीरियर या फिर बोलते हैं रूट ऑफ टंग इसको ये बोलते होते हैं। तो ये तीन पार्ट्स हैं इसके, सबसे आगे वाला कौन सा है, एंटीरियर टू थर्ड, पोस्टीरियर वन थर्ड या फिर एक्सट्रीम पोस्टीरियर या फिर रूट ऑफ टंग, तीन पार्ट्स। तो वही बता रहे हैं एंटीरियर टू थर्ड, पोस्टीरियर वन थर्ड, रूट ऑफ टंग जिसको हम एक्सट्रीम पोस्टीरियर भी बोलते हैं। आसान है ना भाई, टंग आसान है, हैं टंग आसान है, नहीं आसान। अब फ्रेंजल आर्च, जिसने एमरी पढ़ी हुई उसके लिए कोई मसला नहीं है, फ्रेंजल आर्च, तो फ्रेंजल आर्च का दूसरा नाम होता है ब्रेंकियल आर्च भी, इसको हम बोलते होते हैं, ठीक है। और ये फ्रेंजल आर्च होते क्या है, ये कुछ आर्च टाइप होती है इस तरह ये आपके एम्ब्रियो से बनती है, इसके पांच पेयर होते हैं, ये और ये एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर और ये पांचवा पेयर। बस इतना समझ लें कि इसकी ये कितनी होती है, पांच आर्च होती है और हर आर्च के तीन पार्ट्स होते हैं, सबसे अंदर वाला एंडोडर्म, बीच में मेसोडर्म और ऊपर से एक्टोडर्म। कि अगर इस आर्च को मैं ले लूं, इसको मैं जूम करूं, तो इसका सबसे अंदर वाला होगा एंडोडर्म, बीच वाला होगा मेसोडर्म और सबसे आउटर होगा एक्टोडर्म। हर के तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। तो वो यही बता रहा, देखें ये मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि आगे इससे मैंने टंग की डेवलपमेंट कर ली है।
पेयर ऑफ फाइव एम्ब्रियोनिक ऑर्ड्स दैट डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो ड्यूरिंग फर्स्ट फाइव वीक्स, क्योंकि पांच पेयर है तो पांचवें वीक में बनेगी, नमूने को याद रखने का, ठीक है, तो पांच वीक में बनती है, पांच बनती है, पांच पेयर होती है। ईच आर्च इज कंपोज्ड ऑफ कोर ऑफ मेसोडर्म, और मेसोडर्म के साथ साथ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स भी उधर पड़े होते हैं, कवर्ड बाय एक्टोडर्म आउटसाइड एंड एंडोडर्म इनसाइड। अब आपने जो चीज याद रखनी है वो आ गई है, अभी मैंने जो टंग के बारे में बताया याद रहे ना रहे नो इशू, जो अब बताने लगा मुझे याद रहे। वो क्या कहता है, वो कहता है जो फर्स्ट फ्रेंजल आर्च होती है उससे आपका बनता होता है एंटीरियर टू थर्ड, ये वाला एंटीरियर टू थर्ड क्या बनाता है, फर्स्ट फ्रेंजल आर्च, फर्स्ट फ्रेंजल आर्च गिव्स राइज़ टू एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, वाइल जो पोस्टीरियर वन थर्ड होता है, पोस्टीरियर वन थर्ड ये बनता है आपकी थर्ड और फोर्थ फ्रेंजल आर्च से, और आपका जो और ये टंग भी, रूट ऑफ टंग भी, रूट ऑफ टंग या फिर एक्सट्रीम ये भी कैसे बनता है थर्ड और फोर्थ फ्रेंजल पोस्ट से, आसान सा है, आसान सा है। जो एंटीरियर टू थर्ड है ये कैसे बनता है, फर्स्ट फ्रेंजल पोस्ट से, जो पोस्टीरियर टू थर्ड और रूट ऑफ टंग है वो कैसे बनता है थर्ड एंड फोर्थ फ्रेंजल आर्च से, ठीक है, आसान से, बस याद करने वाली चीजें इसमें। नेक्स्ट है इनकी नर्व सप्लाई, अब इधर ही देखते जाए, इधर ही देखते जाए, इसी डायग्राम को देख ले। अब नर्व सप्लाई की हम बात करते हैं, अब आपने क्या करनी है, इसकी पार्टीशन करनी है भाई। अब ये क्या था, एंटीरियर टू थर्ड, इसकी दो पार्टीशन कर दें ये ऐसे। अब जो ये वाला पार्ट है ये आप समझ लें कि उसकी टेस्ट के लिए, और ये वाला पार्ट है ये सारा, इसको अगर दरमियान में मैं इसकी पार्टीशन करूं, लेट मी चेंज सम प्रोमिनेंट कलर, ऐसे ये इसकी हम सेंसेशन पढ़ने लगे हैं कि सेंसरी जो इसकी नर्व्स होती है वो कौन कौन सप्लाई करती है इसको, इसको पार्टीशन कर दे। ये वाला सारा हिस्सा क्या है, सेंसेशन, और ये वाला क्या है उसका टेस्ट वाला हिस्सा, लेट सपोज दैट, ठीक है। अब ये हो गया, अब इनकी नर्व सप्लाई कैसे होती है, अब ये एंटीरियर टू थर्ड, एंटीरियर टू थर्ड ये वाला, वो कहते हैं एंटीरियर टू थर्ड की जो टेस्ट होता है ये वाला, लेट मी चेंज द कलर वंस अगेन, वो कहते हैं एंटीरियर टू थर्ड का जो टेस्ट होता है वो ये वाला है ना, एंटीरियर टू थर्ड यहां तक है, उसका टेस्ट वाला फिर ये वाला है, उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, करेनल नर्व नंबर 7, ठीक है। और जो एंटीरियर टू थर्ड का जो सेंसेशन वाला है वो ये वाला है, इसको कौन सप्लाई करती है, करेनल नर्व नंबर 5 का V3, ये करेनल नर्व 5 V3, ट्राइजेमिनल नर्व 5 ट्राइजेमिनल होती है ना, ट्राइजेमिनल नर्व की तीन ब्रांचेस होती है, उसकी तीसरी ब्रांच का नाम होता है मैंडिबुलर, तो आप यूं सिर्फ इतना याद रखें ट्राइजेमिनल नर्व की मैंडिबुलर ब्रांच, या फिर इतना याद रखें करेनल नर्व नंबर 5 की ब्रांच 3, ठीक है, ये इसको सप्लाई करती है। अब उसके बाद आगे देखें, अब उसके बाद फिर ये आपका कौन सा पार्ट है, पोस्टीरियर वन थर्ड, पोस्टीरियर वन थर्ड, पोस्टीरियर वन थर्ड की सेंसेशन हो या फिर टेस्ट हो, दोनों को कौन सप्लाई करते हैं, करेनल नर्व नंबर 9, और जो आपकी रूट ऑफ टंग है, रूट ऑफ टंग है, उसकी सेंसेशन हो या फिर टेस्ट हो, दोनों को करेनल नर्व नंबर 10 सप्लाई करते हैं। समझ आ गई है, पक्की बात है, मैं सिंपल से इसको बताऊं कैसे याद रखना है, सिंपल सा, क्या आप माइंड में आप इसकी डायग्राम लेके बैठ जाए, 7, 9, 10 और यहां पर 5 लिख देना है, 5, 3, 5 by 3, दैट्स इट, 7, 9, 10, करेनल नंबर 7, नंबर 9, नंबर 10, सेंसेशन हो या टेस्ट हो 10, सेंसेशन हो या टेस्ट हो पोस्टीरियर में 10, एंटीरियर की बात करें तो उसके दो पार्ट्स हैं, जो टेस्ट है उसको 7 और जो सेंसेशन है उसको करेनल नंबर 5 का पार्ट 3, ब्रांच 3, ओके, समझ आ गई है, पक्की बात है, रीडिंग करें इसकी, देखें, वो कहता है एंटीरियर जो टू थर्ड है, सेंसेशन इज इनर्वेटेड बाई करेनल नर्व नंबर V3, मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ 5th करेनल ट्राइजेमिनल नर्व, टेस्ट इज इनर्वेटेड बाई, टेस्ट जो है ना V7 से होता है, फेशियल नर्व से होता है, ठीक है, सेंसेशन C and V3 से, और पोस्टीरियर वन थर्ड की सेंसेशन और टेस्ट दोनों करेनल नर्व नंबर 9 यानी ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व से होता है, और एक्सट्रीम पोस्टीरियर रूट ऑफ टंग वो बोथ सेंसेशन एंड टेस्ट आर इनर्वेटेड बाई करेनल नंबर 10, ठीक है, तो क्या याद करना है, 7, 9, 10 और 5 by 3, बस इस तरह याद रखना है आपने, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस अब उनकी सेंसिंग नर्व सप्लाई हो गई, अब मोटर नर्व सप्लाई, कि जब उनको ब्रेन से पैगाम आता है तो वो किस नर्व के जरिए आता है, तो इसके चार मसल याद रखने हैं आपने, कितने मसल, चार मसल। सबसे पहले जो तीन मसल हैं, हायोग्लॉसिस, गेनियोग्लॉसिस और आपके स्टेरोग्लॉसिस, ये तीन मसल, इनको जो नर्व सप्लाई आती है वो करेनल नर्व नंबर 12 से आती है, कैसे आती है, 12 से आती है। जो आपका चौथा मसल है वो
प्लेट ग्लास, इसको आती है क्रैनियल नंबर 10 से आती है, ठीक है। कि तीन मसल्स कैसे आती है 12 से, और प्लेट ग्लास से कैसे आती है, सॉरी 12 से आती है, और इसको कैसे आती है 10 से आती है। अब ये मसल्स होते क्या हैं, जरा इसके बारे में अगर आ गया तो बता देता हूं मैं, ठीक है। अब इसमें प्रैक्टिकल भी करते जाएं आप। दिस मसल इज लोकेटेड एट द साइड ऑफ द टंग, ये जो हायर ग्लास होता है आपकी टंग की साइड पे होता है, एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर रिट्रैक्शन। और ये रिट्रैक्शन क्या होती है कि आप अपनी टंग को पीछे की तरफ ले जाते हैं और डिप्रेस करते हैं, पीछे की तरफ ले जाएं और नीचे की तरफ डिप्रेस करें, तो इसमें जो मसल आपके हेल्प आउट करते हैं वो आपके हायर ग्लास होते हैं। डाउनवर्ड मूवमेंट, पीछे की तरफ और नीचे की तरफ की जो मूवमेंट है उसको कौन कंट्रोल करते हैं, हायर ग्लासेस। और इसको सप्लाई, मोटर सप्लाई क्या होती है, नर्व नंबर 12। उसके बाद गेनियो ग्लासेस, दिस मसल इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द टंग, ये पीछे की तरफ जो बेस होती है उसकी, वहां पे टंग की बेस के ऊपर होता है, एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन क्या होता है कि आप टंग को बाहर निकालें और डाउनवर्ड मूवमेंट करें, बाहर निकालें और डाउनवर्ड मूवमेंट, इसमें जो मसल काम आता है वो आपका गेनियो ग्लासेस मसल होता है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टाइलो ग्लासेस मसल, अच्छा दिस मसल इज लोकेटेड एट द साइड ऑफ द टंग, ये टंग की साइड में होता है, एंड ड्रॉज साइड ऑफ टंग अपवर्ड टू क्रिएट अ ग्रूव या डिप्रेशन ट्रफ इन द मिडल ऑफ द फॉर स्वेलिंग। जब आप स्वेलिंग करते हैं, लास्ट में जब स्वेलिंग करते हैं, तो जरा नोट करें कि आपकी जो टंग के ये साइड वाले हिस्से हैं ऊपर उठ जाएंगे, जरा स्वेलिंग जब करेंगे इस जगह पर रुक जाए, आपके साइड वाले टंग के जो साइड वाले किनारे ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और दरमियान में ग्रूव आ जाता है, डिप्रेशन आ जाती है। जो डिप्रेशन आती है मिडल में उसको हम ट्रफ बोलते हैं, और साइड में ऊपर उठ जाते हैं। इसमें जो मसल आपका हेल्प आउट करता है वो कौन सा है, स्टाइलो ग्लासेस। देखिए करें एक बार, ये एंड पॉइंट पे नीचे से वो दब जाती है और साइडों से क्या होती है ऊपर उठ जाती है, स्टाइलो ग्लासेस। उसके बाद ये तीनों मसल एच जी एस ये तीनों मसल इसको कौन सप्लाई करती है, 12, ठीक है। तो उसके बाद 10 जो कि वेगस नर्व है वो किसको सप्लाई करती है, प्लेट। इसका काम क्या होता है, दिस मसल ओरिजिनेट फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट, ये सॉफ्ट पैलेट से जो है ना वो उससे ओरिजिनेट करता है, एंड हेल्प टू एलिवेट द पोस्टीरियर टंग ड्यूरिंग स्वेलविंग। जब स्वेलविंग हो रही होती है, जब खाना फूड या कुछ भी हो टंग के आखिरी हिस्से में होता है, तो आखिरी हिस्से को क्या करना होता है, एलिवेट ऊपर की तरफ उठना होता है ताकि जो फूड उधर है वो नीचे की तरफ चली जाए। तो वो टंग ड्यूरिंग स्वेलविंग उसके दौरान उसको एलिवेट करने में कौन सा मसल काम आता है, आपका प्लेट ग्लासेस मसल, ये वाला मसल इसमें काम आता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगी इसकी नर्व सप्लाई, सेंसरी और मोटर दोनों, और इसके पार्ट्स भी, और कौन सी पाउच से कौन सा पार्ट बनता है ये भी, और टंग डेवलपमेंट। तो कुछ समझना तो मुझे बता दें, कुछ रिपीट करना तो मुझे बता दें। कल इंशाल्लाह ताला हम इसकी न्यूरो एनाटॉमी और न्यूरोफिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे विद इंट्रोडक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। हाँ जी, कोई क्वेश्चन जूम पे, किसी को कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ रहेगी या कुछ रिपीट कराना हो, एक मिनट, वेयर इज द फर्स्ट एड, यार आप याद नहीं कराते, फर्स्ट एड से कौन रीड करेगा है, ये चीज तो इंपॉर्टेंट होती है। लेजन से फेलियर, वो कहते हैं फेलियर ऑफ द न्यूरो, एक मिनट, फेलियर ऑफ द न्यूरोनल, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो माइग्रेट नहीं कर सकते, स्मूथ ब्रेन होता है, कोई सुल्की कोई गहराई नहीं होता, प्रेजेंट विद डिस्फेजिया, सीजर्स, माइक्रोसेफेली और फेशियल एनोमलीज होती है। ये चीजें आपको याद हो, ये चीजें आपने रटी भी हो, जो एक एक लफ्ज लिखा हुआ है इसके पीछे एक कंसेप्ट मैंने सारे बता दिए। उसके बाद पोस्टीरियर फोसा मैलफॉर्मेशन, चेरी वन कहते हैं फर्स्ट एड बड़ी डिफिकल्ट है। कल एक डॉक्टर मुझे कह रही थी फ्रॉम इंडिया, कहती है सर जब मैं पहले फर्स्ट एड पढ़ रही थी तो मुझे बहुत मुश्किल लग रही थी, सुनकर बड़ी खुशी हुई, कहती जब से आपसे पढ़ा है तो अब फर्स्ट एड से रीडिंग करते हुए बहुत मजा आता है। चेरी वन मैलफॉर्मेशन, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेरेब्रल टॉन्सिल्स थ्रू फोरमेन मैग्नम, एक स्ट्रक्चर नीचे जा रही है, यूजली एसिम्प्टोमेटिक इन चाइल्डहुड, मैनिफेस्ट इन चाइल्डहुड विद हेडेक्स एंड सेरेब्रल सिम्टम्स एसोसिएटेड विद स्पाइनल कॉर्ड कैविटेशंस, जो सिरिंजियो मेगेलिया, जो मैंने वहां पे सिनेक्स बनाई थी उसके वाले से। समझ, ये समझ आ गई है ना रीडिंग से, नहीं समझ आई, आ गई समझ। उसके बाद चेरी टू मैलफॉर्मेशन, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेरेब्रम, सेरेब्रम में वर्मिस और टॉन्सिल दोनों और मेडोला, दो स्ट्रक्चर नीचे आ रही है, थ्रू फोरमेन मैग्नम, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोस्फेरस, समझ आ रही है, मोर सवेयर देन चेरी वेन, यूजली प्रेजेंट अर्ली इन लाइफ विद डिस्फेजिया, स्ट्राइडर, एपनिया, लिम्ब वीकनेस, एसोसिएटेड विद द मेलोमेनिंजियल सील, यूजली लंबोसैक्राइनल में। आसान है फर्स्ट एड, बहुत आसान। डैडी वाकर, एजेनेसिस ऑफ सेरेब्रम वर्मिस, ये बनेगा ही नहीं, सिस्टिक इनलार्जमेंट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल इनलार्ज होगा, दैट फिल्स द इनलार्ज पोस्टीरियर फोसा एसोसिएटेड विद नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोस्फेलस स्पाइनल बफाइडा। तो ये देखें वो इनलार्ज बनाया हुआ है उसने, ठीक है। और ये देखें प्रोटीन हो रही है चेरी वन में, ये उसका जो टॉन्सिलर पार्ट है, ये सिरिंज इधर स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करके इधर कॉम्बिनेशन हो रही है।
सिरेंजियोमाइलिया फ्लूइड फिल ग्लियोसिस लाइन कैविटी विद इन द स्पाइनल कॉर्ड फाइबर्स क्रॉसिंग इंटीरियर वाइट कमीशन स्पेनोथर्मिक ट्रैक में आर टिपिकली डैमेज फर्स्ट, वो सबसे पहले डैमेज होते हैं। कैप लाइक लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन इन द बाइलेटरल अपर एक्सट्रीमिटीज एज लियन एक्सपेंड्स इट मे डैमेज द इंटीरियर हॉर्न, और इंटीरियर हॉर्न में लोअर मोटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज होती है तो वो डिफेक्ट होंगी तो आपकी मसल पैरालिसिस होगी। सिरिंज क्या होता है, ग्रीक वर्ड है, ट्यूब इसको हम बोलते होते हैं। एज इन सिरिंज मोस्ट लियंस अकर बिटवीन C2 एंड C9 यूजुअली, ये उसकी चेरी मेलफॉर्मेशन उसकी कॉजेस, या फिर लेस कॉमनली जो होती है उसकी होती है मेलफॉर्मेशन में इन्फेक्शन हो गया, ट्यूमर हो गया और ट्रॉमा हो गया। तो ये उसने वो डायग्राम बनाई हुई है। ओके, उसके बाद टंग डेवलपमेंट, ये वही लिखा हुआ सारा कुछ कि फर्स्ट फ्रेंजल आर्च इंटीरियर 2/3 बनाती है और इसकी सेंसेशन को क्रैनियल नर्व 5 का V3 और टेस्ट को क्रैनियल नर्व 7। थर्ड एंड फोर्थ फ्रेंजल आर्च फ्रॉम पोस्टीरियर आर्च बनाती है और सेंसेशन और टेस्ट दोनों को 9 और एक्सट्रीम पोस्टीरियर को क्रैनियल नर्व 10 सेंसेशन और टेस्ट दोनों को, और मोटर इनर्वेशन 12 करती है तीनों मसल को, हाइपोग्लॉसिस को जो रिट्रैक्ट डिप्रेशन में काम आता है, जिनेग्लॉसिस को टंग को प्रोट्रूड करता है, और स्टेलोग्लॉसिस तीनों को कौन सप्लाई करता है आपकी मोटर नर्व नंबर 12, और 10 किसको सप्लाई करती है आपकी प्लेटोग्लॉसिस जो एलिवेट करता है इसको। तो ये उसके नमूने को उसने लिखे हुए सिर्फ, और ये बार उसने टू द शॉर्ट लिखा हुआ है कि टेस्ट में टेस्ट को ये सप्लाई करती है, पेन को ये सप्लाई करती है, मोटर को ये सप्लाई करती है, और कहाँ पे जाता है ये उसने न्यूक्लियस का नाम लिखा है, उसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में इंशाल्लाह, इधर नहीं छेड़ते। तो कोई क्वेश्चन रह गया तो बताएं मुझे, अदरवाइज कल इंशाल्लाह हम न्यूरोलॉजी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, बेस्ट ऑफ लक, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़, क्लास डिसमिस। Thank you.